अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिले भर में हेलमेट के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। उसी क्रम में क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल की विशेष उपस्थिति में कलेक्टर मनोज पुष्प सहित एसपी नवनीत भसीन ने हेलमेट जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर पटेहरा गांव के लिए रवाना किया। मऊगंज विधायक हेलमेट धारण कर सैकड़ों युवा के साथ पुलिसकर्मी पुलिस जवान शामिल रहे। इस बाइक रैली में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, एसडीएम एपी द्विवेदी, एसडीओपी नवीन दुबे, तहसीलदार रत्न राशि पांडे, थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल की मौजूदगी में नशा न करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान मऊगंज विधायक ने कहा कि जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेलमेट का उपयोग करें ताकि जिले में हो रहे दुर्घटना में कमी आ सके एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। हमारे एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी महोदय पधार चुके हैं। कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशामुक्त बनाएंगे। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसीलिए आओ मिलकर अपने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संभव प्रयास करूँगा। थैंक यू। बोले भारत माता की।